अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं फिर मौजूद हूँ सुल्तान भाई के पास, सुल्तान मिडिल ईस्ट एंड इमिग्रेशन पे। सबसे पहले तो मैं आपकी इनकी लोकेशन बता देता हूँ, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा और लोकेशन भी मिलेगी उलैया रियाज में। सुल्तान भाई से आज मेरा मिलने का मकसद ये था कि आप दोस्तों को इस चीज़ की आगाही देनी कि अभी आप जो सऊदी अरबिया में अपने ओनरशिप पे जो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ज़ाती नाम पर कारोबार कर सकते हैं विदाउट कफ़ील। तो इसके बारे में सुल्तान भाई से इन्फॉर्मेशन मैं आज लेकर आप दोस्तों के लिए साथ शेयर करने के लिए आया था। सुल्तान भाई माशाल्लाह 2 साल हो गए, यानी कि 2 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं और इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस हवाले से कि इन्होंने बहुत सारे दोस्त जो मेरे पाकिस्तानी थे उनको लाइसेंस भी लेके दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने सब कारोबार कर रहे हैं। तो सुल्तान भाई इस बारे में आप तफसील से बताएं कि जो अपने नाम पर हमने कारोबार करना है इसके लिए हमें कोई कंपनी ओपन करनी पड़ेगी या वो आप अरेंज करेंगे, इसका क्या प्रोसीजर है, इस सारी चीज़ पे एक दफ़ा डिटेल से हमको बताएं यार। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट, मेरा उर्दू इतना अच्छा से नहीं आता है, तो इसलिए मैं पहले माफ़ी मांगता हूँ। 2021 में पहले सऊदी गवर्नमेंट ऑफर किया, जो बंदा उनका कोफिल के नाम में बिजनेस कर रहे हैं वो चाहिए तो उसका ये बिजनेस अपने नाम में करने के लिए, तो जो बंदा उस टाइम कर लिया। इसके बाद जो नया सिस्टम आया, अभी अभी के सिस्टम में है, आप अपने नाम में बिजनेस करना है तो सऊदी का बाहर से आपका एक कंपनी ले आना है। ये कोई भी कंट्री का हो सकता है, दुबई से, कतर से, ओमान से, आपको पाकिस्तान, इंडिया से, कोई भी कंट्री से LLC लिमिटेड कंपनी ले आना है। बाद में ये कंपनी के थ्रू आप सऊदी में इधर का सब्सिडरी कर सकते हैं, मतलब ब्रांच भी कर सकते हैं, LLC सब्सिडरी भी कर सकते हैं। तो जैसे ये होता है इन्वेस्टमेंट लाइसेंस, और ये सारा इन्वेस्टमेंट लाइसेंस का एक्टिविटी होता है, मतलब इसमें नाशत बोलता है आप क्या क्या बिजनेस करना चाहते हैं। इसका 3 टाइप का लाइसेंस होता है, एक इंडस्ट्रियल लाइसेंस एंड सर्विस लाइसेंस एंड ट्रेडिंग लाइसेंस, वो तिजारा जो बोलता है। तो 3 कैटेगरी के इधर लाइसेंस ज्यादा करते हैं हम फॉरेनर अजनबी। इसमें सर्विस के एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, अराउंड 1300 टाइप के बिजनेस आप कर सकते हैं एक कंपनी ओपन करके। मतलब सऊदी में जो होता है ये कोई दुकान का छोटा लाइसेंस नहीं होता है, ये एक शोरी का होता है, कंपनी होता है। कंपनी के अंदर आप छोटा छोटा ब्रांच ब्रांच करके आप अलग अलग बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आप एक होटल कर लिया, साथ में एक सैलून कर सकते हैं, साथ में एक ट्रैवल्स टूरिज्म कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस कर सकते हैं, मुकावलात कर सकते हैं, आप वर्कशॉप कर सकते हैं। ये सारा सर्विस लाइसेंस का अंडर भी होता है। इसका जो ईयरली चार्ज हो नेक्स्ट ईयर से, ये आपको 62,000 गवर्नमेंट फी देना है। मतलब ये रेन्यू करने के लिए आपको 62,000 पे करके रेन्यू करना है, और फर्स्ट टाइम में 12,000, और 12,000 पहले साल आपको ओपन करना है तो आपको पे करना है 12,000। तो पहले साल ओपन करने के टाइम ऐसा ही निकल जाता है ज्यादा, तो इसीलिए गवर्नमेंट इसे कम कर दिया। 62,000 नेक्स्ट ईयर से पे करना, फर्स्ट ईयर 12,000, बारह यस हज़ार यस यस और सुल्तान भाई, और आपको सुल्तान भाई रेट भी सबसे मार्केट में कम देंगे, यानी मार्केट में जो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां भी बहुत सारी हैं मैंने देखी हैं जो अपनी एडवर्टाइजिंग करती हैं और वो बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, और इंशाल्लाह आप जब सुल्तान भाई के पास इस काम के लिए आएंगे वो सुल्तान भाई इंशाल्लाह आपको बहुत कॉर्पोरेट करेंगे, आपको सही से गाइड करेंगे। अगर आपकी कोई कंपनी पाकिस्तान या इंडिया में नहीं हुई, ये दुबई में ओपन करके उसको यहाँ ला के आपका लाइसेंस भी बनवा कर देंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि आप कौन सा बिज़नेस कर सकते हैं, और आपसे ये जो अपने चार्जेस होंगे ये मार्केट से तकरीबन 50% डाउन पे, यानी कम पैसे लेंगे आपसे। और एक एक बात मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ ताहिर भाई के साथ, जो आप सोचेंगे आपको कोफिल कौन होगा, आप अपने नाम में कारोबार करोगे तो आपको कोफिल कौन बन जाएगा, तो इधर कोई कोफिल नहीं रहता है, मतलब इधर एक शोरी क्या हो जाता है। ऐसा आप कंपनी होएगा, कंपनी का एक नाम देगा आपको, मतलब इस नाम में आपको कंपनी है, कंपनी का कुआ रहेगा, कुआ का अंदर आप लोग कफाला कर सकते हैं, और कंपनी का मुकीम रहेगा, मुकीम से आप छुट्टी लगा सकते हैं। मतलब सारा सिस्टम, सब सारा एक्सेस अपने नाम में होएगा, डायरेक्टर मैनेजर आपको हो गया ना? आप मैनेजिंग डायरेक्टर होगा कंपनी का। आप चाहिए तो आप अकेला भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई दो तीन चार बंदा शेयर में भी कर सकते हैं, मतलब एक हाँ, कंपनी ये का तो अच्छी दो चीज़ है तीन ना कि शेयर। बंदे, अभी मैं काम कर रहा हूँ आप कर रहे हैं अपना ट्रैवल का, मैं मिसाल तौर पर होटल ओपन करता हूँ रेस्टोरेंट, तो मैं आपके साथ शरीक बनूंगा, ऐसे हमारे पैसे भी कम लगेंगे, हमारा यानी कि खर्चा डिवाइड बहुत होगा सारे डिवाइड और हो जाएगा। हम अपना सिक्सटी अपना टू कारोबार भी थाउजेंड जो करेंगे। ईयरली फी है ना, आप चार दोस्त एक साथ करेगा तो चार शेयर में दे ये सकते तो हैं। फिर बड़ी अच्छी चीज़ है ना, गवर्नमेंट बढ़िया ने बढ़िया चीज, बहुत। सब सबका इकामा मुदीर आम होएगा, सब भी जनरल डायरेक्टर होएगा। वाह एंड जो एज ए इन्वेस्टर आप जो जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो सब सब आपको मिलेगा बेनिफिट। वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो उम्मीद है आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, कोई इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आप ले सकते हैं गूगल मैप से सर्च करके,
और अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह सुल्तान भाई आपको अच्छे से गाइड करेंगे। सुल्तान भाई, बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि जब वो लोकेशन पे आते हैं ना, बाय रोड पे खड़े होते हैं, तो उन्हें ऑफिस का पता नहीं चलता कि कौन सी साइड पे है, तो चले आए हम एक अच्छा, दफ़ा विज़िट करवा दें। ऑफिस ऑफिस विज़िट करा के देता हूँ। ये हमारा ऑफिस है। ये हमारा ऑफिस का दो सेक्शन है। ये ओनली इन्वेस्टर सेक्शन, बस इस सेक्शन में हम इन्वेस्टर वीज़ा का काम करते हैं, लाइसेंस वगैरह बनाते हैं आप? लाइसेंस वगैरह बनाते हैं। और अलग एक सेक्शन है ताइब भाई। ये वाला सेक्शन तो मैं विजिट कर चुका हूँ ना पहले। हाँ, ये हमारा वीज़ा सेक्शन है, ठीक है। और हमारा ऑफिस का जो लोकेशन गेट है, ये है गेट नंबर 8। आप औलाया मूसा सेंटर में आएगा तो 8 नंबर गेट के। हाँ, गेट नंबर 8 चले बाहर भी आए। ये लगे पे कौन सा रोड है? यानी कि हॉलीडे इन इनके अपोजिट साइड पे है, ये किंग फहद लाइब्रेरी के सामने। किंग फहद लाइब्रेरी के सामने। चलिए, लोकेशन तो बहुत आसान है, इतना बिल्कुल मुश्किल नहीं आसान है। है। आप औलाया किंग फहद लाइब्रेरी ये सामने हर बोर्ड बंदा लगा, वाला गाड़ी खड़ा करेंगे सामने बोर्ड नजर आएगा।